हेलो फोर्थ क्लास हाउ आर यू ऑल फाइन सो स्टूडेंट्स टुडे वी आर स्टार्टिंग योर न्यू बुक ऑफ साइंस फ्रॉम द लोगो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मेनी थिंग्स वी लर्न वाइल वी रीडिंग दिस बुक यानी कि देखिए एन से आपको मैग्नेटेड मैग्नेट दिखाई दे रही है विच अट्रैक्ट्स आयरन नेल्स यानी कि लोहे को खींचती है

पानी की तरफ जाती है पानी बर्फ़ पे गलती है तो पानी बन जाती है और पानी को हम ज़्यादा उबालते हैं तो कैसे वो भाप बन जाता है और जब हम उसको कूल करते हैं तो वो वाटर बन जाता है और जब हम उसको और कूल करते हैं तो वो बर्फ़ बन जाता है दिस इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग सो इन दिस बुक वी कैन लर्न सो मैनी थिंग्स ओके बच्चों तो देखिए कॉन्टेंट्स देयर इज फोटीन चैप्टर इन दिस बुक एंड सिक्स यूनिट्स ओके टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर एंड आर फर्स्ट यूनिट इज़ प्लांट्स लाइफ यानी कि पौधों का जीवन तो प्लांट्स की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे आज बच्चों हम सबसे पहले चैप्टर हम पढ़ेंगे द ग्रीन प्लांट्स हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों ग्रीन प्लांट्स के बारे में जो कि प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड फूड होते हैं यानी कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं तो लेट्स बिगिन योर फर्स्ट चैप्टर देखिए बच्चों द ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड प्लांट्स आर लिविंग बींग्स प्लांट्स जो होते हैं बच्चों वो लिविंग बींग्स होते हैं तो आपको ये पता है वो भी सांस लेते हैं वो भी खाना खाते हैं ठीक है वो भी जीते हैं सो दे आर लिविंग बींग्स मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ग्रीन ज़्यादातर प्लांट्स ग्रीन होते हैं बच्चों देखे होंगे आपने बिकॉज दे हैव अ सब्सटेंस इन देयर लीव्स दैट इज ग्रीन इन कलर क्योंकि तो उनकी लीव्स में उनकी पत्तियों में एक सब्सटेंस होता है बच्चों जो कि कौन से कलर का होता है ग्रीन कलर का जैसे कि हमारी विंस होती हैं बच्चों विंस यानी नसें हमारी जो नसें होती हैं बच्चों उसमें कौन से कलर का सब्सटेंस दौड़ता है रेड कलर का सब्सटेंस दौड़ता है देखा है ना ब्लड तो ब्लड क्या है बच्चों जो हमारी नसों में दौड़ता है और जो प्लांट्स की नसों में दौड़ता है जो प्लांट्स की विंस होती हैं बच्चों उसमें जो सब्सटेंस होता है वो कौन से कलर का होता है बच्चों ग्रीन कलर का होता है ओके दे मेक देयर ओन फूड वो अपना खाना खुद बनाते हैं एंड प्रोवाइड फ़ूड फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स और वो प्रोवाइड भी करते हैं बच्चों एनिमल्स को और ह्यूमन बींग्स को फूड यानी कि वो एनिमल्स को और ह्यूमन बींग्स को फूड भी प्रोवाइड करते हैं जैसे कि एनिमल्स पत्तियाँ खाते हैं ठीक है और घास खाते हैं ये सब चीज़ें एनिमल्स को मिलती हैं और ह्यूमन बींग्स जैसे उनसे सब्जियाँ निकालते हैं उनसे पौधे निकाल उनसे फ्रूट्स निकालते हैं फ्रूट्स की मदद से उनको फूड मिलता है इस तरीके से हम देखेंगे कैसे कैसे किस को क्या मिलता है फूड मेकिंग इन प्लांट्स फूड कैसे बनता है बच्चों प्लांट्स में प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर प्लांट्स किस तरीके से अपना फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर वाटर की हेल्प से फ्रॉम द सॉयल मिट्टी में से जो उनको पानी मिलता है उससे वो अपना फूड बनाते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर और जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है बच्चों उससे वो अपना फूड बनाते हैं क्या आपको पता है बच्चों आप जो सांस लेते हैं, क्या है? क्या हैं, हैं उसको क्या बोलते हैं ऑक्सीजन क्या बोलते हैं बच्चों ऑक्सीजन और जो आप बाहर छोड़ते हैं सांस उसको क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड सो so, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड आप अपने बॉडी में से निकालते हैं आप जो आपकी बॉडी रिलीज करती है कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब करती है कौन बच्चों प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं यानी कि जो आप एक्सहेल करते हैं जो आप छोड़ते हैं अपने मुंह से सांस उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जो प्लांट्स लेते हैं अपने अंदर इनहेल करते हैं उस वही वो एयर होती है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं यानी कि हम दोनों एक दूसरे एक जैसा काम करते हैं वो हमारे मदद में आता है हम उसके मदद में आते हैं तो प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज दे गिव ऑक्सीजन टू अस ओके अगर प्लांट्स ना हो तो हमें ऑक्सीजन किससे मिले जब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जब ही तो वो ऑक्सीजन देते हैं और वो जो ऑक्सीजन देते हैं हम उसको ले लेते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बोला है बच्चों जो प्लांट्स होते हैं वो किससे वाटर लेते हैं सॉइल से वाटर लेते हैं यानी कि मिट्टी से वाटर लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल जाती है उन्हें एयर से मिल जाती है तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ग्रीन लिव पुट टुगेदर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो वो जो सनलाइट की प्रेजेंस में धूप की जो सनलाइट होती है बच्चों जो सूरज से सनलाइट निकलती है उसको क्या बोलते हैं सनलाइट जो लाइट निकलती है सन से उसको बोलते हैं सनलाइट तो जो सनलाइट के प्रेजेंस में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जो वाटर होता है वो ग्रीन लीव्स जो होती है उसको साथ में रखती है ग्रीन लीव्स पुट टुगेदर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन लीव्स होती हैं बच्चों वो वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह पे रखती है दोनों को मिलाती है किसकी प्रेजेंस में सनलाइट की प्रेजेंस में एंड कन्वर्ट दैम इनटू सिंपल शुगर उनको फूड में कन्वर्ट कर देती है बच्चों कन्वर्ट दैम इनटू फूड और सिंपल शुगर शुगर में कन्वर्ट कर देती है यानी कि जो उनका फूड होता है वो किस तरीके से बनता है सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर ओके बच्चों सो लीव्स आर कॉल्ड द किचन ऑफ प्लांट्स यानी कि प्लांट्स को अपना खाना कहाँ से मिला लीव्स से मिला लीव्स में ही तो वो सब काम होता है खाना बनाने का तो जहाँ पे खाना बनाने का काम होता है बच्चों उसको क्या बोलेंगे किचन तो जो प्लांट्स ही किचन है वो क्या कहलाती है बच्चों लीव्स सो लीव्स आर कॉल्ड किचन ऑफ प्लांट्स तो लीव्स प्लांट्स की जो किचन होती है वो कौन होती है बच्चों लीव्स लीव्स को प्लांट्स की किचन कहा जाता है प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन इन दिस प्रोसेस और जब ये प्रोसेस होती है बच्चों तो प्लांट्स क्या रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं तो आपको समझ में आया बच्चों जब प्लांट्स रिलीज करते हैं ऑक्सीजन तो हम वो ऑक्सीजन ले लेते हैं और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो प्लांट्स ले लेते हैं टू अंडरस्टैंड हाउ लीव्स मेक फूड फ्रॉम द प्लांट ये अंडरस्टैंड करने के लिए समझने के लिए कि प्लांट्स कैसे अपना फूड बनाते हैं लीव्स में लेट अस अंडरस्टैंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीव्स तो क्यों ना हम लीफ के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन समझ लें देखिए बच्चों अलग अलग पार्ट समझेंगे हम लीफ के देखिए सम ग्रीन प्लांट्स आपको दे रखे हैं ये भी ग्रीन प्लांट है ये भी ग्रीन प्लांट है जो कि मैंगो का होता है बच्चों यहाँ पे आपको ग्रीन प्लांट दिख रहा है यहाँ पे आपको टोमेटो का ग्रीन प्लांट दिख रहा है इस तरीके से ज़्यादातर ग्रीन प्लांट्स होते हैं क्यों क्योंकि उनकी लीव्स में एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है बच्चों जो कि मैंने आपको बताया था अभी जिसका नाम था क्लोरोफिल अब समझेंगे हम लीफ के पार्ट्स को बच्चों तो रीड करते हैं द फ्लैट पार्ट ऑफ अ लीफ द फ्लैट पार्ट ऑफ अ लीफ इज लीफ ब्लेड यानी कि ये जो फ्लैट पार्ट होता है ये जो कोने के पार्ट्स होते हैं बच्चों ये क्या कहलाते हैं लीफ ब्लेड जैसे कि आपको पिक्चर में दिख भी रहा है ठीक है ना ये क्या कहलाता है बच्चों लीफ ब्लेड लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम जो लीफ होती है बच्चों ये जो पत्ती है ये किससे अटैच है स्टेम से अटैच है किसके द्वारा बाय स्टॉक और पैट्टील क्या बोलते हैं बच्चों इसकी जड़ को ये जड़ दिखाई दे रही है ना बच्चों आपको देखी होगी आपने जड़ पत्ती की स्टेम देखी होगी ठीक है जिसको बोलते हैं आपकी रेगुलर लैंग्वेज में डंठल क्या बोलते हैं बच्चों डंठल तो ये जो लीफ की जो डंठल होती है इसको क्या बोलते हैं बच्चों पेटील क्या बोलते हैं पेटिल ओके ईच लीफ जनरली हैज़ वन मेन विन यानी कि हर एक पत्ती की जनरली एक मेन नस होती है वीन यानी बच्चों -E वी ई आई एन विन यानी कि नस ए हर एक पत्ती की एक मेन नस होती है कॉल्ड मिडरिब जो कि आपको ये दिखाई दे रही है इसी नस के द्वारा सारी और नसें मिली हुई हैं है, है कि नहीं इसी नस से ही तो ये मेन नस है है ना बीच वाली इस मेन नस से ही तो सारी नसें जुड़ी हुई हैं तो इस मेन विन को इस मेन विन को क्या बोला जाता है बच्चों मिडरिप ठीक है इसके बाद देखिए एंड मैनी साइड विन्स और साइड विन्स भी होती हैं जैसे कि ये दिख रही है आपको पत्ती के बगल 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 में ये साइड विन्स होती है ना नसे होती हैं इसकी अलग अलग इस तरीके से द रिब एंड साइड विन्स हेल्प इन ब्रिंगिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द स्टेम यही जो मेन विन होती है यानी कि मिड रिप होती है और जो ये साइड विन्स होती है यही हेल्प करती हैं बच्चों स्टेम से यानी कि जड़ से पानी लाने में और मिनरल्स लाने में कैरिंग आउट द प्रिपेयर फूड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट और यही मदद करती है फूड बनाने में टू प्रिपेयर फूड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट अलग अलग पार्ट्स प्लांट के अलग अलग पार्ट्स के लिए फूड बनाने में कौन हेल्प करती हैं यही मिडरेप और यही साइड विंस ओके सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ लीफ प्रिपेयर द फूड ऑफ प्लांट फ्रॉम दिस पिक्चर यू कैन अंडरस्टैंड बच्चों द लीफ एंड इन लीफ वेन यू सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप यानी कि हम लीफ के अंदर बच्चों सिंपली नहीं देख सकते जो लीफ होती है उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं बच्चों वो हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते वो किससे देखा जा सकता है बच्चों माइक्रोस्कोप से किसकी हेल्प से विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप तो जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं बच्चों तो हमें किडनी टाइप की एक डिज़ाइन दिखाई देती है जिसके बीच में थोड़े होल्स से होते हैं इसको बोलते हैं बच्चों स्टोमेटा क्या बोलते हैं स्टोमेटा तो देखिए आपको तो दे भी रखा है द अंडर साइड ऑफ द लीफ हैज़ मैनी टनी ओपनिंग्स जो अंडर साइड होती है जो अंदर के अंदर का सा भाग होता है बच्चों लीफ का उसके अंदर कई छोटे छोटे ओपनिंग्स होती हैं होल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है स्टोमेटा जैसे कि आपको दिख रहे हैं ये क्या है बच्चों स्टोमेटा अंडर अ माइक्रोस्कोप दिस किडनी शेप्ड ओपनिंग कैन बी सीन क्लियरली आप जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे बच्चों तो आपको किडनी शेप की ये जो ओपनिंग्स हैं ये अच्छी तरीके से क्लियरली दिखाई देती हैं ठीक है माइक्रोस्कोप से द स्टोमेटा हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो स्टोमेटा होता है बच्चों ये जो स्टोमेटा है ये किस में हेल्प करता है गैसेस की एक्सचेंज में जैसे कि मैंने आपको बताया था प्लांट्स कौन सी गैस लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और कौन सी गैस रिलीज करते हैं ऑक्सीजन तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहलाए हैं ना बच्चों तो यही एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने में हेल्प कौन करता है स्टोमेटा द सेल्स ऑफ द लीव्स कंटेन अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस ये बताया था मैंने बच्चों अभी आपको जो लीव्स होती है हो, उसके अंदर एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जो क्या कहलाता है कॉल्ड क्लोरोफिल जिसको क्या बोलते हैं क्लोरोफिल सी एच एल ओ आर ओ पी एच वाई डबल एल ओके बच्चों ये डबल एल है इट ट्रैप्स द एनर्जी फ्रॉम द सन लाइट ये क्या करता है बच्चों जो सनलाइट होती है जो मतलब सूर्य की रोशनी होती है उसमें से एनर्जी को पकड़ लेता है एबजॉर्ब करता है एंड हेल्प्स द प्लांट्स टू प्रिपेयर इट्स फूड और प्लाट्स को हेल्प करता है फूड बनाने में ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड ये भी बच्चों ध्यान रखिए कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वही अपना खाना खुद बनाते हैं जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते जैसे कि बहुत सारे प्लांट्स होते हैं बच्चों इस तरीके के जो भी आपको ग्रीन leaves ना हो जिस प्लांट में वो अपने आप खाना नहीं बना सकते जैसे कि एक पौधा तो ऐसा भी है जो कि इंसेक्ट्स खा के अपना फूड बना फूड उनका क्या होता है इंसेक्ट उनके ऊपर कोई कोई इंसेक्ट बैठ जाए तो वो उसको अपनी जो उनका मुंह होता है वो बंद हो जाता है और फिर उसको वो खा लेते हैं तो इस तरीके से जो ग्रीन प्लांट्स नहीं होते वो अपना फूड खुद नहीं बना पाते ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड हाउ डू लीव्स प्रिपेयर फूड अब ये बात करते हैं बच्चों की जो लीव्स हैं वो कैसे अपना खाना बनाते हैं अभी हमने पढ़ लिया लीव्स का पार्ट्स अलग अलग और लीव्स के अंदर का सब्सटेंस पढ़ लिया जो कि क्लोरोफिल सेकंड होता है लेकिन अब ये देखते हैं कि जो लीफ होती हैं जो लीव्स होती हैं वो अपना खाना कैसे बनाती हैं द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स इज नोन एज फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है बच्चों खाना बनाने की लीव्स के अंदर उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं फोटोसिंथेसिस बोलिए मेरे साथ फोटोसिंथेसिस द वर्ड फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस कंजिस्ट ऑफ टू वर्ड्स फोटो और सिंथेसिस फोटोसिंथेसिस में आपको दो वर्ड दिखाई दे रहे होंगे बच्चों एक तो फोटो और एक सिंथेसिस फोटो का क्या मतलब होता है बच्चों लाइट फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू पुट टुगेदर यानी कि फोटो का मतलब तो होता है बच्चों लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है एक साथ रखना तो क्या मतलब हुआ दस प्लांट्स पुट टुगेदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो एक साथ क्या रखता है प्लांट पानी को और कार्बन डाइऑक्साइड को किसके प्रेजेंस में सनलाइट की प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू मेक देयर फूड यानी कि ऊपर से रोशनी आए सनलाइट आए और लीव्स अपने अंदर क्या क्या रख ले कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को और यही प्रोसेस होती है बच्चों प्लांट्स के खाना बनाने की तो यानी कि प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड ली जैसे कि आपको इस डायग्राम से दिखाई दे रहा है प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड ली और वाटर लिया कहाँ से सॉइल से मिट्टी से और सनलाइट ली इन तीनों ने अपना खाना बनाया और प्लांट्स के लिए खाना बनाया प्लांट्स ने खाना खा लिया और क्या चीज़ रिलीज कर दी क्या चीज़ छोड़ दी ऑक्सीजन छोड़ दी तो इसी प्रोसेस को कहते हैं बच्चों फोटोसिंथेसिस दस प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर जो प्लांट्स होते हैं किस फॉर्म में अपना खाना बनाते हैं बच्चों फूड किस फॉर्म में बनाते हैं शुगर की फॉर्म में बनाते हैं इसको स्टार्च भी कहते हैं ए पार्ट ऑफ विच इज़ यूज फॉर द डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट एंड एक्स्ट्रा पार्ट वो कौन सा फ़ूड बनाते हैं जो उसका डेली रिक्वायरमेंट का होता है और जो एक्स्ट्रा पार्ट बच जाता है उसके फूड का वो कहाँ पे स्टोर करते हैं बच्चों अलग अलग लीफ में प्लांट्स अपना जो एक्स्ट्रा फूड होता है उसको स्टोर करता है जैसे कि हमारा भी एक्स्ट्रा फूड बच जाता है बच्चों घरों में हम कहाँ पे स्टोर करते हैं गर गर्मियों में रेफ्रिजरेटर्स में ऐसे ही प्लांट्स का एक रेफ्रिजरेटर है बच्चों जैसे कि लीव्स फ्रूट्स स्टेम्स और रूट्स इन सब में वो अपना खाना स्टोर करके रखता है कॉर्न प्लांट स्टेम यानी बच्चों तना जो स्टेम होता है वो तो तना होता है और ज, जो रूट्स होती हैं वो जड़े होती हैं ये मैं आपको समझाने के लिए पिक्चर भी लेके आया हूँ बच्चों वो दिखाऊंगा जैसे कि देखिए ये वाली पिक्चर देखिए बच्चों यानी कि जो ये स्टैम है ये तो तना हो गया जो कि लैंड से ऊपर की साइड है अपर साइड ऑफ द लैंड और जो लैंड पर है उसको बोलते हैं बच्चों रूट यानी कि जड़ें जैसे कि आपको दिखाई दे रही हैं जड़ें जा रही हैं अलग अलग तो ये क्या है बच्चों जड़ें और जो स्टेम होता है वो होता है तना जो कि पेड़ का तना होता है जिससे कि पेड़ लगा हुआ होता है ठीक है और रूट्स यानी कि जो जड़ें होती हैं अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों जो तना होता है वो जो स्टेम होता है वो ये होता है और जो रूट्स होती हैं वो जड़े होती हैं सो ऑक्सीजन रिलीजेज रिली ऑक्सीजन रिलीज इन दिस प्रोसेस जब वो ये प्रोसेस करते हैं खाना बनाने की अभी मैंने बताया था आपको ये क्या रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रखा है गोज़ इन टू द एयर और वो ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है एयर में और वो कौन एब्जॉर्ब करता है बच्चों हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं हमें ऑक्सीजन किस से मिलती है प्लांट्स से मिलती है ओके सो टूडे वी अंडरस्टैंड हाउ डू लीवस प्रिपेयर देयर फूड यानी कैसे लीव्स अपना फूड प्रिपेयर करती हैं प्लांट्स के लिए सो टमोरो वी विल डिस्कस दिस एक्टिविटी एंड अनदर एक्टिविटी एज वेल सो टुडे स्टूडेंट्स यू कैन अंडरस्टैंड सो मच थिंग्स द पार्ट्स ऑफ टुडे इज होमवर्क इज यू ड्रॉ इन योर कॉपी दिस डायग्राम ठीक है बच्चों लीव्स का ये डायग्राम बनाएंगे आप अपनी कॉपी में पार्ट्स ऑफ अ लीव मेन वेन मिड ड्रेब ये बताते हुए ये सारी चीज पॉइंट आउट करेंगे सेम टू सेम ये आप डायग्राम बनाएंगे मैं आपको भेज दूंगा अलग से इसको बनाइएगा ओके बच्चों दिस इज योर होमवर्क आपको एक डायग्राम बनाना है अपनी कॉपी में चैप्टर नंबर वन डाल के नाम डाल के ओके सो दिस इज योर होमवर्क थैंक यू स्टूडेंट्स